व्हाट्स अप वीडियो, मैं बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ पोस्ट वर्कआउट और प्री वर्कआउट पिल के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनको नहीं पता होता कि पोस्ट वर्कआउट में और प्री वर्कआउट में क्या लेना है, जिसकी वजह से उनके गोल अचीव नहीं हो रहे थे। अगर आपका गोल फैट लॉस या मसल गेन, जो भी आपका गोल है, वो अचीव नहीं होगा, 100% मेरी गारंटी अचीव नहीं होगा, अगर आपको ये नहीं पता कि पोस्ट वर्कआउट में आपको क्या लेना है और प्री वर्कआउट में क्या लेना है। क्योंकि डेली की जो मील्स होती हैं, डेली की जो हमारी डाइट होती है, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट यही जो डाइट है, प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे, आप बात करेंगे कि आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या खाना है, कितने टाइम पहले खाना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि आप मैंने नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मारा होगा, साथ में बेल आइकन होगा उसको दबाएं, ताकि फ्यूचर में मेरी फिटनेस रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम से मेरा अकाउंट है, रत्सा फिटनेस के नाम से, यहाँ साइड में आ रहा होगा, जाएँ फॉलो करें। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो लोग सप्लीमेंट यूज़ करते हैं प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट, तो वो यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये खासतौर पर वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो फूड से न्यूट्रिएंट कंज्यूम करना चाहते हैं, जो सप्लीमेंट की तरफ नहीं जाना चाहते या सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं करते किसी वजह से, तो ये खासतौर पर वीडियो उन लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं प्री वर्कआउट से। आपके पास है तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, पहला है कार्ब, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट। आपको इनको ऐसे डिवाइड करना है कि कार्ब्स की क्वांटिटी हाई रखनी है, प्रोटीन की मॉडरेट रखनी है, और फैट की जो है बहुत लो रखनी है। फैट को आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कार्ब्स क्या करेगा? कार्ब्स क्या करता है, आपकी आपकी बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग वर्कआउट। आपकी जो कंसंट्रेशन है बॉडी माइंड की, वो आपकी वर्कआउट के अंदर फोकस रखता है आपको वर्कआउट में, क्योंकि ग्लूकोज आपको कार्ब से मिलेगा। अगर आप कार्ब नहीं लेंगे तो ड्यूरिंग वर्कआउट आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी। सेकेंड है प्रोटीन, प्रोटीन से आपको अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, प्रोटीन आपकी रिकवरी में हेल्प करेगा ड्यूरिंग वर्कआउट। आपकी जो मसल स्टेयर हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करेगा, उनको बचाएगा, प्रिवेंशन उनकी ब्रेकिंग से प्रिवेंशन करेगा, जिससे आपके मसल्स कम ब्रेक होंगे और आपकी बॉडी अच्छी पंप होगी, अच्छी आपकी बॉडी रिकवर भी होगी उस प्रोटीन की वजह से। सेकेंड है थर्ड है फैट। फैट का प्रॉब्लम ये है कि फैट जो है वो स्लो डाइजेस्ट है, डाइजेस्ट इजीली फैट नहीं होता, इसी वजह से फैट ज़्यादातर लोग मना करते हैं। और फैट मैं भी मना इसी वजह से कर रहा हूँ कि फैट जो है वो स्लो डाइजेस्ट है, वो दूसरे न्यूट्रिएंट की डाइजेशन को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से दूसरे न्यूट्रिएंट जो है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जल्दी नहीं पहुँच पाते फैट की वजह से। तो फैट को या तो आप बहुत लो रखें, बहुत लो, या फिर आप निगलेक्ट कर सकते हैं। आप डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं बनाना, प्री वर्कआउट में बनाना ऐड कर सकते हैं, स्वीट पोटैटो ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल पोटैटो भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा प्रोटीन के अंदर आप एग वाइट ले सकते हैं। योक आपको नहीं लेनी है, योक इस वजह से नहीं लेनी क्योंकि योक में है फैट, वो भी यही प्रॉब्लम करेगी कि आपकी डाइजेशन को स्लो करेगी। प्री वर्कआउट को आप कम से कम 50 से 60 मिनट पहले आपको कंज्यूम करना है, ताकि जब वर्कआउट के आप जाएँ तो आपकी बॉडी जो आपका स्टमक है वो बिल्कुल एम्प्टी हो, स्टमक के अंदर कुछ ना हो। फैट को भी इसी वजह से मना करते हैं, अगर आपकी बॉडी में अगर आपने फैट कंज्यूम कर लिया, ठीक है, प्री वर्कआउट आप अगर फैट ले रहे हैं, कुछ भी फैट की कोई भी मील आप ऐड कर रहे हैं जिसमें फैट ज़्यादा है, तो जब वर्कआउट पे आप जाएंगे तो आपके पेट में खाना होगा, जिसकी वजह से आपसे एक्सरसाइज नहीं होगी। और ये सबसे वर्स्ट थिंग है कि आपके पेट में कुछ है, आपको ब्लोटिंग फील हो रही है, और आपको एक अजीब हालत आपकी होगी जब आप वर्कआउट कर रहे होंगे। इसी वजह से मना करते हैं कि फैट आप कंज्यूम ना करें प्री वर्कआउट पर। तो ये थी प्री वर्कआउट में जो आपको लेनी है। हाई आपको कार्ब्स रखने हैं, मॉडरेट आपको प्रोटीन रखना है, फैट को आप निगलेक्ट कर दे कोई मसला नहीं है, या अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बहुत लो कर सकते हैं फैट को, ठीक है। अब चलते हैं पोस्ट वर्कआउट मील की तरफ। पोस्ट वर्कआउट मील में क्या लेना है आपको? मेरी नज़र में जो पोस्ट वर्कआउट मील है ना, पूरे दिन में आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मील है पोस्ट वर्कआउट। होता क्या है, जब आप वर्कआउट करके आते हैं तो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, उस वक्त फ्यूल रिक्वायर्ड होती है, आपकी बॉडी की रिकवरी टाइम होता है, आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है, अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं, क्योंकि आप इतना इंटेंस वर्कआउट करके आ रहे होते हैं, आप वेट उठा के आ रहे होते हैं, आप मसल टेयर करके आ रहे होते हैं। तो उस ड्यूरेशन में अगर आपने बॉडी को सही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं किए तो आपकी बॉडी रिजल्ट नहीं देगी। और जो ज़्यादातर लोग यही प्रॉब्लम करते हैं, मैं जिम में ज़्यादातर मेरा 3-4 घंटे जिम में डेली गुजरते ही हैं, फिलहाल अभी तो क्वारंटीन के अंदर है, अभी नहीं, इससे पहले जो मैं जिम जाता हूँ तो वहाँ पर मेरा इतना टाइम तो वहाँ जिम में गुजरता ही है। तो मैंने अमूमन लोगों से सवाल किया है, तकरीबन 10 में से 8 लोगों की यही मिस्टेक करते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि पोस्ट वर्कआउट में क्या लेना है। आप मैं उनसे सवाल करता हूँ, वो कहते हैं नॉर्मल जो घर में बना है वही खाएंगे यार, वही खाते हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। जब आप जिम जा रहे हैं ना, आप वर्कआउट कर रहे हैं, अब आप नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा हट चुके हैं, आप अपनी बॉडी पर वर्क कर रहे हैं, अपने मसल्स को टेयर कर रहे हैं, तो आपको कुछ थोड़ा सा हट के नॉर्मल लोगों से आपको अपनी बॉडी को देना है।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो अब आपको क्या देना है, पोस्ट वर्कआउट आपने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड से फ्री हुए आप कर गए आपने, आपको बॉडी को प्रोवाइड करना है कार्ब्स प्रोटीन। आप यहाँ पे आपको प्रोटीन को हाई रखना है, कार्ब्स को मॉडरेट रखना है और फैट भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हाई प्रोटीन के अंदर आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, बहुत बेस्ट है वे प्रोटीन, ठीक है। अगर आप वे प्रोटीन नहीं ले रहे तो आप चिकन ब्रेस्ट है, फिश है, इसके अलावा एग वाइट्स हैं, ये ऐड कर सकते हैं। जो ये मैं वो चीज़ें बात उन चीज़ों के नाम ले रहा हूँ जो नॉर्मली सबके घरों में मौजूद होते हैं। एग वाइट आप एग वाइट बढ़ा सकते हैं, चार से पाँच एग वाइट ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका वर्कआउट कैसा है, इंटेंस है, ज़्यादा इंटेंस है या एडवांस लेवल का है, तो आप उसके हिसाब से एग वाइट खुद एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग वाइट के साथ आप दो योक ले सकते हैं, दो योक बहुत है, ठीक है। उससे आपकी जो अमाइनो, क्योंकि योक में भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो उससे आपके जो अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी, सही। उसके अलावा आप कार्ब्स के अंदर बनाना यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं, पोटैटो भी, स्वीट पोटैटो ऐड कर सकते हैं। आपको कार्ब्स को रखना है मॉडरेट, ठीक है। ये आपकी पोस्ट वर्कआउट मील बन जाएगी पूरी। तो ये आपको वर्कआउट के तकरीबन आधे घंटे 15 से 20 मिनट बाद लेनी ही लेनी है, ठीक है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि जो मेजर मील है वर्कआउट के बाद वो कब है। कम से कम इस जो आपने ये मील ली है इसके एक घंटे बाद आपको पूरी एक मेजर मील लेनी है, जिसके अंदर मिनरल्स, विटामिंस, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट सबको आपको ऐड करना है। कि जैसे आपने रोटी ले ली, आपने रोटी का दाल ले ली, दाल के साथ सलाद है, चावल है, दाल है या कीमा रोटी है, उसके साथ सलाद है, आपको ये चीज़ें एक मेजर मील रात की जो होती है ना वो वाली, वो आपको ऐड ज़रूर करनी है, उसको नहीं भूलना है, ठीक है। वर्कआउट के बाद आपने जो अपना हाई प्रोटीन कार्ब्स वाली डाइट ली, उसके बाद आपने एक पूरा अपना मील लिया एक घंटे के बाद, ये आपकी पूरी कंप्लीट एक तरह से डाइट बन गई वर्कआउट के पोस्ट वर्कआउट की। तो इस तरह आप अचीव इजीली कर सकते हैं अपने गोल्स को अगर आप ये फॉलो करें तो। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी और ये आपकी पोस्ट वर्कआउट प्री वर्कआउट मील मैं दोबारा बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको पोस्ट वर्कआउट में या प्री वर्कआउट में क्या लेना है, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो होती है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा और नीचे कमेंट में भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।